त्यांना बोलाव ना, त्याच्या त्यांना बाकीच्यांना ठेवू नये. कोण हे बाकीचे? त्यांचे actually not been seen. If you can come on this side and make the chat. No, okay, it's gaadi to mil jayegi. मेरा नाम आबिश तेजानी है सर. सर आज कितने बजे बोट चालू है और किस तरह से रिस्पांस रहा है? सर आज पहला राइड था हमारा 215 का फ्रॉम बेलापुर टू एलिफेंटा एंड हमारा बोट पूरा फुल था सर. काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है ये रूट के लिए. ओके, किस तरह से यात्रियों का स्वागत किया गया है? देखा गया कि हमें फूल वगैरह? जी जो ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था इसके लिए हमने सबको रेड रोजेज दिया है जस्ट टू वेलकम देम ऑन बोट. तो इस तरीके से हमने उनका स्वागत किया है. दिन में कितनी बोट की फेरियाँ रहेंगी? दिन में दो बार रहेगा सर, एक सुबह 9:15 पे और एक दोपहर को 2 बजे. सर क्या टिकट के रेट्स क्या कहेंगे इस पर? टिकट का रेट सर 825 रुपीज़ है. रिटर्न टिकट है ये, बेलापुर से आपको रिटर्न टिकट मिलेगा. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या इसमें उपाय? सर जैसे आप देख रहे हो लाइफ जैकेट्स है, लाइफ बॉयंट्स है, तो सुरक्षा की हर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है हमारे पास. मतलब एक तरह से देखा जाए तो यात्री पूरी तरह से सुरक्षित? पूरी तरह से सुरक्षित है. मेरे 2 से 3 लोग भी रहेंगे बोर्ड पे जिनको सीमैन कहते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए सर. हम लोग MP से आए हैं और पता चला कि आपका कल शुभारम्भ हुआ है, तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग घूमने आए और ये अच्छी सुविधा हुई है जो बहुत अच्छा गवर्नमेंट का ये प्रयास रहा कि लोगों को एक अच्छा पिकनिक स्पॉट देखने को मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोग इन्जॉय करेंगे. बहुत अच्छा रहा. कैसा फील करते सर आप जैसे ये सब मौका है, जैसे विदेशों में ये सब पानी वगैरह में घूमने का? बहुत तो अच्छा लग रहा है. हमने न्यूज़ में कल देखा कि उद्घाटन हुआ, तो पहली बार पहला ट्रिप है शायद हम लोग इसका इन्जॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ. बहुत अच्छा लग रहा. मतलब आप घूमने के लिए आए? हाँ घूमने के लिए आए थे. मतलब अभी लोगों को जहाँ मुंबई वगैरह जाना पड़ता था और कहीं जाना पड़ता था, तो अभी इससे यहाँ पास में हो गया तो बहुत अच्छा हुआ. बम्बई में तो इससे भी बहुत भीड़ भाड़ रहती थी. इस इलाके में हम लोगों को एक तो आवागमन की भी सुविधा से फ़ायदा होगा, लोगों को भीड़ नहीं रहेगी उधर. आप कितने लोग घूमने आए आप लोग? हम लोग 4-5 लोग पूरा फैमिली को लेकर आए. थैंक यू. बोट से आप सफर करने वाले हैं? ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट है हमारे लिए. और पहले हमें एलिफेंटा कैब से और कहीं टूरिस्ट जाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, मतलब मुंबई सिटी जाके फिर वहाँ से वापस आना पड़ता था. ये राइड हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत टाइम बचाएगा हमारा जाना आना, और बच्चों के लिए या कि जो भी बड़े लोग हैं वो भी ईजीली कम्यूट कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस. अभी आप किसी काम से जा रहे हैं या ऑफिस के टाइम कैसा या घूमने के लिए? नहीं, हम मोस्टली घूमने के लिए जाते हैं एलिफेंटा कैसे टूरिस्ट स्पॉट के लिए. बच्चे घूमते हैं या कि सभी सयाने घूमने जाते हैं, तो पहले मुंबई जाना है तो पहले सफ़र करना पड़ता था. अभी एटलीस्ट बेलापुर से जा रहा है तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा कम्यूट करने के लिए. क्या लगता है कितना आपको आनंद है इस चीज़ का? बहुत खुशी है हमें, तो बहुत हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल मोमेंट है और हिस्टोरिक मोमेंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद और भी यहाँ से जब जर्नी शुरू होगी तो बहुत सारे और भी फेरीज मिलेंगे हमें, तो हम और भी दूर तक जा पाएंगे. होप करते हैं जैसे अभी मांडवा बीच और बहुत सारा दूर दूर तक का प्लान चल रहा है, ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा. क्या नाम है आपका? मेरा नाम धुवेंद्र कुमार पांडे, मैं इधर खारगर से हूँ. आपका नाम जानना? हाँ, मेरा नाम मधुबाला शरद सोनी है. आप कहाँ से आए हो? मैं नेहरुल नवी मुंबई में रहती हूँ. अदरवाइज मेरे हस्बैंड शिप में शिप इंजीनियर रहे हैं, तो मेरा ये शिप में बहुत सालों साल रहना रहा है, तो पानी बोट शिप ये मेरा पहला प्यार है. बहुत प्यार करती हूँ मैं इस लाइफ को. तो जब से मैंने सुना कि आपका ये आने वाला है, इसमें बोट चलने वाली है, तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. मैं पास में रहती हूँ, बार बार आके पूछ के गई, और आज भी मैंने फटाफट पूछ के फटाफट ऑन द स्पॉट मैंने अपने आप को ये बुक किया और बहुत एंजॉय कर रही हूँ. क्योंकि आपको मालूम पहला कोई भी अनुभव पहला तो बहुत अच्छा रहता है, और ये मैं चाहती हूँ ये हमेशा चलता रहे प्रोग्राम.
और ये बहुत आगे बढ़े ये प्रोग्राम, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। हाँ, अभी जहाँ लोग मुंबई वगैरह ऐसे घूमने के लिए जाते थे बोट के लिए, अभी नवी मुंबई से मुंबई के लिए जैसे अभी बस में लोग जाते थे एक घंटा, बहुत बढ़िया ये बहुत अच्छी सुविधा, बिल्कुल समय बचेगा, ट्रैफिक में हम लोग को परेशान नहीं होना पड़ेगा, और मेरे लिए तो इतना अच्छा रहेगा कि मैं तो एंजॉय करते जाऊँ, क्योंकि पानी मेरा प्यार है, बोट शिप मेरा प्यार है, तो मैं तो बता नहीं सकती, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं एटलीस्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। किराया क्या लगता है आपको, किराया कितना आपके आम लोगों के लिए? नहीं, किराया इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो आपको 820-850 में पर हेड छोड़ भी रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ डाल रहे हैं, तो नॉमिनल चार्ज ठीक है, चार्ज ज़्यादा नहीं लगा मुझे, ठीक है, इट्स ओके। और मेरी शुभकामनाएँ, अच्छा चले ये प्रोग्राम आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ, ऑल द बेस्ट।